अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन फिंगर रोल स्टिक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने एक पाव चिकन ले लिया, उसको फिंगर शेप में काट कर रख लिया। इधर मैंने एक बाउल में एक कप मैदा लिया है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इधर हमने एक बाउल लिया, अब हम उसमें एक कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। साथ ही आपने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने मैदे की डो बना लेनी है। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और फिर इसके ऊपर से इस तरह से लगा देना है। फिर हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें 1/2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून हम रेड चिली ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ही हम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें बारबेक्यू मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इस तरह से आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद हमने अपने मैदे की डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि जो इसके ऊपर ऑयल लगाया हुआ है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इस तरह से अब हम मैदे की डो को अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस तरह से आपने अपनी डो को बेल लेना है। बेलने के बाद अब हम ग्लास की मदद से इस तरह से इस पे कट लगा लेंगे। इस तरह से आपने अपनी डो पर सारे ग्लास के जरिए अपने ये सारे सर्कल लगा लेने हैं। ग्लास की मदद से आपने गोल शेप के काट लेने हैं। अब हम इसको उठा लेंगे। इस तरह से आपने बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से अब हम मैदे की डो को साइडों से उठा लेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे गोल शेप के बना लिए हैं। इस तरह से हमने अपना एक गोल स्लाइस लिया, उसके अंदर इस तरह से चिकन पीस रखा और फिर इसके साइडों पर इस तरह से ऑयल लगाया फिंगर की मदद से। इस तरह से आपने सारा इसके ऊपर ऑयल लगा लेना। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको गोल कर लेना है। इस तरह आपने इसकी रोल शेप बना लेनी है। इस तरह से हमने अपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। अब हमने एक स्टिक ली, 1 by 1 करके इसमें अपने सारे रोल ऐड करेंगे। इस तरह से आपने अपने सारे रोल को स्टिक्स में ऐड कर लेना। इस तरह से आपने अपने सारे चिकन रोल को स्टिक्स में ऐड कर लेना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इधर हमने एक पैन लिया, उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया। अब हम 1 by 1 इसमें अपने रोल ऐड करेंगे। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन रोल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।